अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का मैं व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, व्लॉग नहीं एक्चुअली, मैं आपके साथ डीमार्ट ग्रोसरी शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ। मैंने रमज़ान के लिए कल लिस्ट बनाई थी आपके साथ, जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उसमें, तो मैंने उसी के थ्रू मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं रमज़ान के लिए, जो कि हमें रमज़ान में लगती हैं। और मैं लिस्ट जो थी वो मैं घर पर ही भूल गई थी, और कुछ चीज़ें शायद मैं भूल गई हूँ, तो मैं लिस्ट में एक बार चेक करूँगी। अभी मैंने लिस्ट भी चेक नहीं की है, तो मुझे याद है वैसे मोस्टली सामान आ ही चुका है, जो सामान हमें लगता है डेली में वो आ चुका है सामान, तो इसलिए मैं आपके साथ आज ये डीमार्ट हॉल शेयर कर रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी वाटर बॉटल ख़राब हो रही थी, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने का, बट कोई अच्छी सी बोतल वगैरह नहीं आई थी। और पहले 19 रुपीज़ में ऑफ़र लगा होता था, और मेरे पास उनमें की बोतल हैं डीमार्ट की, और अभी फ़िलहाल उसका ऑफ़र नहीं है, वो ऑफ़र अब 21 रुपीज़ में है, ये देखें। और ये वाली बोतल है और काफ़ी प्यारी लग रही हैं, ये काफ़ी अच्छा कलर है इसका, तो 21 रुपीज़ की मुझे ऑफ़र में बोतल पड़ी है, और इसका प्राइस है 40 रुपीज़। कैमरा फोकस, MRP प्राइस है इसका 40 रुपीज़, और डीमार्ट प्राइस इसका है 21 रुपीज़। तो ये मैंने दो बाय की हैं। और एक मैंने ख़रीदी थी ये बड़ी वाली वाटर बॉटल, जिसका प्राइस था, MRP था जिसका 110 यानी 110 रुपये, और ये 79 रुपीज़ की हमें पड़ी है। फोकस, तो ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, इसलिए मुझे अच्छी लगी थी, जैसे हम इसका यूज़ जग की तरह भी कर सकते हैं। काफ़ी क्यूट सी और बड़ी सी ये बोतल थी। तो ये मैंने तीन बोतल वहाँ से बाई की हैं, और एक ये मैंने शरबत रोज़ लिया था, और जो आज हमने ट्राई भी किया है और काफ़ी अच्छा हमें लगा ये, और इसमें कई वैरायटी थी, जलजीरा, खस और नींबू जीरा और लेमन, काफ़ी सारी वैरायटी थी, बट हमने ये रोज़ वाला लिया है और ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो एक हमने ये ख़रीदा था। और मेरे बेटे के लिए मैंने जैम ख़रीदा है, उसका जैम ख़त्म हो गया था, तो ये वाला। और इसका ये पोर्शन ढक्कन पहले कुछ डिफरेंट आता था, अभी फ़िलहाल ये चेंज हुआ है कुछ, ये रेड हो गया है पूरा। इसका पहले वाला भी मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने जैम के सेट्स बना रखे हैं डब्बों के, ये लेबल मैं उतार लेती हूँ जब ये खाली हो जाते हैं जार, तो ये काफ़ी क्यूट लगते हैं, ये देखें। तो एक ही मैंने जैम लिया है, और एक ये मैंने सिंपल वाइट विनेगर लिया है, जो कि मुझे यूज़ में आता है, कोई अगर फ़िश वगैरह कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसको भी वॉश करने के लिए मुझे ये यूज़ में लगता है, या फिर किसी तरह की सैलेड में बनाती हूँ उसमें मुझे यूज़ में आता है। और एक प्याज वाला मैं आपके साथ अचार शेयर करूँगी, तो उसके लिए भी मुझे ये चाहिए था वाइट विनेगर, तो एक मैंने ये लिया है। और
एक मैंने ये अमृतांजन लिया है स्प्रे, हाँ अमृतांजन स्प्रे, और ये काफ़ी अच्छा है। तो मेरा एक ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने एक पीस वहाँ से बाय किया है। और इसके बाद मैंने ये मायोनीज ली थी, ये है। पहले मैंने वेबा की मियोनीज ट्राई की हैं, बट अब की बार हमने डिफरेंट कंपनी चूज़ की है, तो ये मायो हमने ये वाला लिया है अब की बार। विंग ग्रीन्स का है ये, विंग ग्रीन्स पाउंड्स। तो देखते हैं ये कैसा है, अभी इसको ट्राई नहीं किया है। तो एक ये लिया था हमने, और इसके बाद ये पापड़ का पैकेट मैं पिछली बार भी लेकर आई थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने एक बार एक और ख़रीदा है, और इस पर भी ऑफ़र था बाय वन गेट वन का। और इस जैम का प्राइस था 225, और ये 180 का हमें पड़ा है। और मियोनीस का भी प्राइस था 199, तो इस पे ऑफ़र लगा था 199, वो सॉरी बाय वन गेट वन फ्री, तो ये हमें 99 का पड़ा है। एक हमने लिया था ये ब्रिटानिया चीज़ फॉर पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा के लिए हमने चीज़ लिया है। तो इस पे भी थोड़ा बहुत ऑफ़र था, बाय वन गेट वन का ऑफ़र नहीं रहता है इन चीज़ पे। ये 150 का है, और ये हमें 130 का पड़ा था, हमें मिली है। और ये मैंने क्यूब्स लिए हैं अमूल के, बटर के, अमूल बटर के क्यूब्स हैं ये। तो ये 61 का था, ये 50 का हमें पड़ा था। और क्यूब्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि कोई हम डिश वगैरह बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ में ले रहे हैं, तो एक क्यूब हम निकाल कर ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा नहीं लेकर ये लिया है क्यूब्स वाला बटर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, और ये टिश्यू पेपर अभी मैं लेकर आई थी, कुछ टाइम हुआ है, बट जैसे कि रमज़ान है तो पकौड़ी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, पापड़ वगैरह, ज़्यादातर ऑयली चीज़ें हम रमज़ानों में खाते ही हैं, तो ऑफकोर्स इसकी ज़रूरत थी। और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि गैस वगैरह को हमने क्लीन कर दिया है, और उसके बाद में फिर हम कोई ऑयल वाली रेसिपी बना रहे हैं तो छींटे आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है गैस। तो मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ उसके लिए भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है इसकी। और ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद, और इस पर भी बाय वन गेट वन का ऑफ़र था। ये 50 रुपीज़ का इसका प्राइस है, बट ये 25 रुपीज़ का हमें मिलता है बाय वन गेट वन के ऑफ़र पे। और ये छाछ ली हैं हमने 2 पैकेट, ये छाछ ली हैं हमने, तो ये 10 रुपीज़ की ईच पड़ी है हमें। और ये हमने वाव का पनीर लिया है, जो कि मैंने पिछली बार भी आपके साथ शेयर किया था, और मैं बनाती हूँ ज़्यादातर ये वाला पनीर, तोफू पनीर इसे कहते हैं, तोफू सोया पनीर। और ये भी इसकी प्राइस है 60 रुपीज़ MRP है इसकी, और ये भी हमें 30 का पड़ता है बाय वन गेट वन फ्री के ऑफ़र पे। तो एक मैंने ये लिया है, और ये है चोकोज, और ये भी 10 रुपीज़ का पीस है, बट ये हमें 5 रुपीज़ का मिलता है बाय वन गेट वन के ऑफ़र पे।
तो ये भी काफ़ी सारे पीस लिए हैं, 10 पीस लिए हैं शायद, पिछली बार लिए थे वो ख़त्म हो गए थे। और ये मैंने 3 मिनट ब्रेकफास्ट नो कुकिंग जस्ट ऐड हॉट वाटर केसर हलवा, इजी टू मेक ये रहता है, थोड़ा सा वाटर को हमें बस बॉईल करना होता है, उसके अंदर इसे ऐड कर देते हैं। इसी तरह से एक पोहे का भी पैकेट आता है और उपमे का भी पैकेट आता है, और इजी टू मेक ये चीज़ हैं, 3 मिनट में ये कुक होके तैयार हो जाती हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें का पोहा मैंने ट्राई किया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वो पोहा, तो मैं इसे सुबह बना के अपने बेटे को दूंगी, तब बताती हूँ मैं ये कैसा लगता है। और ये पिज़्ज़ा बेस लिए थे हमने, इसमें 2 पीस का ये 2 बेस हैं इसमें, ये 40 रुपीज़ इस पर MRP है, बट ये भी ऑफ़र में होगा, कुछ ना कुछ इस पर ऑफ़र ज़रूर होगा, डीमार्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र लगा रहता है हर एक चीज़ पे। तो ये एक लिया था, उसके बाद में मैंने ये लिए थे जवे, और ये रोस्टेड जवा था, ये देखें जो दूध में हम बना सकते हैं, मसालों में हम इसे बना के खा सकते हैं, और रमज़ान में मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रोस्टेड का ये है कि मुझे अलग से भूनने नहीं पड़ेंगे, अगर वो प्लेन वाले मैं अगर लेती तो उनको मुझे भूनना भी पड़ता, रोस्ट करना पड़ता, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो ये मैंने रोस्टेड वाला पैकेट ले लिया। 10 रुपीज़ का फ़र्क था, ये 79 का था और वो 69 का था, 10 रुपीज़ का इस पर डिफरेंस था बस, तो मैंने ये ले लिया। एक मैगी का पैकेट मैंने लिया है और ये हमें 40 रुपीज़ का पड़ा है, 48 इसका प्राइस है, तो एक ये लिया है। बच्चों का कभी कभी मन होता है तो बना के दे देना चाहिए। यिप्पी मैगी है ये ऑरेंज वाली, एक ये पैक लिया है। और ये चिली गुंटूर मिर्ची हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ चटनी में, अगर हम चटनी खाते हैं तो ये वाली मिर्चें यूज़ करते हैं ज़रूर, ये तीखी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी इसकी चटनी लगती है। और मेरा एक हैंड वॉश का रिफिल ख़त्म हो गया था, पिछली बार मैंने नहीं ख़रीदा था, शायद ख़रीदा था बट ख़त्म हो गया था, आज मैंने देखा था तो वो फिनिश हो गया था, तो एक मैंने ये भी बाय कर लिया, और ये 120 का था, इस पर भी ऑफ़र था बाय वन गेट वन फ्री, तो ये 60 रुपीज़ का हमें पड़ा है। और ये हमने चना दाल ली है, और ये 62 पर केजी थी शायद, मैं चेक करके बताती हूँ आपको, ये दाल 64 रुपये किलो ये दाल थी, चना दाल 64 पर केजी ये दाल मिल रही थी चना दाल। और मैं लूज़ में ही लेती हूँ हमेशा, मैं पैकेट्स वगैरह नहीं लेती हूँ, लूज़ में भी काफ़ी अच्छी दाल वहाँ की मिलती है। मैं अभी कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं ये चना दाल आपको, या कोई भी दाल आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी कितनी अच्छी होती है वहाँ की दाल अगर आप लूज़ में भी लेते हैं तो। पहली बात तो ये है कि कभी भी मुझे दाल में जैसे चुनना पड़ता है कि कुछ कोई कूड़ा तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है इनमें, कभी भी कोई चीज़ गंदी निकलती नहीं है और ये बिल्कुल क्लियर दालें रहती हैं, कुछ इसमें चुनना नहीं पड़ता, कुछ इसमें ढूंढना नहीं पड़ता, कंकड़ पत्थर कुछ इसमें नहीं निकलता है।
तो ये बहुत ही फ्रेश दाल रहती है। तो जब से मैंने स्टार्ट किया है डीमार्ट से दाल लेना, तो मैंने कहीं और से दाल नहीं यूज़ की हूँ, कहीं और से दाल नहीं मंगवाई है। ये देखें, ये मसूर की दाल है और ये थी 94 रुपये केजी। और इसके बाद मैंने ये ली थी, ये 99 रुपीज़ पर केजी थी। और ये मैंने थोड़ी सी दाल ली है, ये थी उड़द दाल, ये मैंने थोड़ी सी उड़द दाल ली है। और इसके बाद मैंने ये ली थी मूंग की दाल, जो कि आजकल मुझे ज़्यादा यूज़ में आ रही है ये दाल, और ये भी 94 रुपये केजी थी। तो ये 600 ग्राम थी। और एक ये मैंने व्हील का स्टक लिया है वहाँ से, एक्टिव व्हील, और ये इसकी प्राइस है 64 और ये 52 समथिंग हमें मिला है, तो इस पर भी ऑफ़र था 10 रुपीज़ का, शायद 10-12 रुपीज़ का इस पर ऑफ था। और ये मैंने पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस ली है एक, नॉर की, तो ये इसका प्राइस था 55 रुपीज़ और ये डिस्काउंट पे थी। और इसका रेट का अलग से एक टैग लगाया हुआ है इन्होंने, इसके रेट का अलग से टैग लगाया है इन्होंने 50 रुपीज़ करके। तो ये हमें बाय वन गेट वन पे मिली है 25 की। और ये जीरा बिस्किट जो काफ़ी पसंद है मुझे, तो ये 10-10 रुपीज़ ईच है, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और एक मैंने ये लिया था चाट मसाला, जो कि रमज़ानों में ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो मैंने छोटा पैकेट ले लिया था, बड़ा जल्दी से ख़राब हो जाता है, वो एक्सपायर होने के भी चांसेस उसके रहते हैं, तो मैंने ये छोटा पैक लिया था। और 27 इसके रेट हैं, MRP हैं, बट इसका डीमार्ट प्राइस भी 22 समथिंग कुछ ऐसे था। और ये मैंने लिया है मिश्री शुगर क्रिस्टल, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। तो ये एक लिया था, या फिर इसके पानी को भी पीने से ये अच्छा बताते हैं मिश्री, तो मैंने ले लिया एक पैक। और ये इसका वेट, सॉरी, इसका MRP 20 रुपीज़ है, बट इस पर भी 3-4 रुपये का शायद से डिस्काउंट मिला है। और ये मैंने सोप ले लिए हैं, मैंने तो ये मैंने 5 ली हैं। और ये एक मैंने गलती से एक चिली पाउडर भी ले लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च, जो मैंने दोनों ही रख लिए हैं, गलती से एक और भी मैंने रख लिया तो मैं भूल गई थी, ये मुझे निकालना था, बट मैं इसे भी लेकर आ गई हूँ। और ये मैंने बेसन लिया है, और ये 1.5 केजी बेसन है। तो अभी मेरे पास जो बेसन है, पहले मैं उसे फिनिश करूँगी, तब इसको मैं निकालूँगी, अभी ये मुझे यूज़ में नहीं आएगा। और ये मैंने शुगर ली है, शुगर थी ये 3 केजी, क्योंकि हम पिछली बार गए थे तो हमने 4 किलो शुगर तब ले ली थी, और उसमें से भी मिनिमम 2 केजी शुगर हमारी बची हुई है, तो ये हमने 3 किलो और
ली थी। हम चावल यूज़ करते हैं, वो चावल इस बार हमें नहीं मिला, तो हमने ये वाला चावल लिया है। वो 20 चावल था शायद, और ये इंडिया गेट रोज़ाना वाला चावल है, वो 20 करके चावल था। बासमती राइस है वो भी, और ये भी बासमती राइस है, पर देखते हैं ये कैसा रिजल्ट देता है, ये कैसा निकलता है। बाकी हमने कभी ये वाला चावल यूज़ नहीं किया है, अब मैं इसको ट्राई करूँगी तब आपको बताती हूँ। और हम बासमती चावल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर डेली में, तो ये वाला चावल हमने ख़रीदा है। तो हमारी रमज़ानों की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। और आज ऐसा हुआ था कि जल्दी में हमें तैयारी भी करनी थी, आके मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीद पाई, शायद इसलिए थोड़ी मिस्टेक भी हो गई है कोई चीज़ें ख़रीदने में। तो मैं, और आज इतना रश था वहाँ पर, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, कभी कभी होता है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ मिलती है, बट आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पर। और कोई ऐसा ऑफर डे भी नहीं था, बट ये था कि नवरात्रे भी थे और रमज़ान भी स्टार्ट हो गए थे, तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर थी, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा वहाँ पर शूट नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं यहीं पे आपको सारा ग्रोसरी आइटम्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ये मुझे रमज़ानों से पहले शॉपिंग करनी थी इस चीज़ की, बट मैं नहीं कर पाई, तो आज हम गए हैं ये शॉपिंग करने के लिए। और मैंने कुछ क्लिप्स वहाँ के लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वहाँ के ऑफ़र्स आप एक बार देख सकते हैं। और कुछ थोड़ी सी क्लिप्स मैं वहाँ की यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और अगर वीडियो आज का आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। Wham! Oh, so.